बाकी जो करेंगे हम करेंगे। लगान मूवी देखी हो ना? लगान मूवी देखे आमिर खान का, उसमें देखते हो वो लोग जो गलती से आमिर खान बोल देता है हाँ हम लोग लड़ेंगे क्रिकेट खेल के ये करेंगे, तो उसमें क्या होता है वो लोग सब जाता है राजा के सामने झुक जाता है, राजा कुछ करिए, गलती से बोलते हैं, राजा क्या बोलता है मेरा हाथ में कुछ नहीं है, वो जो बोल दिया वही होगा, है ना? मतलब एक तरीके से क्या वो नाम का राजा है, रूल तो ब्रिटिशर्स कर रहा है, समझ में आया? ये था सब्सिडरी अलायंस का। हम लोग आज फर्स्ट क्लास है और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर, ठीक है? तो आज हिस्ट्री का चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो अब देखो इसका नाम क्या है चैप्टर का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्यों इसको बोला गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? कुछ रीजन होगा, है ना? और ये 1857 क्या है, ये है ईयर जिस ईयर में ये वॉर हुआ था। देखो माना जाता है कि इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश एम्पायर अपना पूरा दबदबा बना दिया था, जो कि 100 साल पहले हुआ था इससे 100 साल के, उसके बाद तो रिवॉल्ट हल्का फुल्का होता ही था हर जगह। ये एक पहला अराउंड 100 ईयर्स के बाद एक ऐसा वॉर हुआ जिसको बोला गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे सब इंडियंस यूनाइट हुआ टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर। बट जाहिर सा बात है हम लोग को इंडिपेंडेंस तो मिला नहीं, है ना? क्यों, हम लोग को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में, है ना? 15 अगस्त 1947, मतलब 1857 में वॉर तो हुआ था इंडिपेंडेंस का, बट इंडिया आज़ाद हो नहीं पाया। तो ये चैप्टर में हम लोगों का सिलेबस में क्या है, हम लोगों को बस दो चीज़ पढ़ना है, वॉर का कॉजेस क्या था एंड वॉर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखो हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो हम लोग बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। ICSE के वेबसाइट में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है सब सब्जेक्ट्स का, तो वहाँ से हम लोग सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस डाउनलोड किए, हम लोग के ड्राइव में ऑलरेडी लाइब्रेरी में है, तो वहाँ से हिस्ट्री का हम लोग सिलेबस देखे। तो हिस्ट्री में सिलेबस में क्या है, कॉजेज ऑफ द वॉर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, बाकी इवेंट्स ऑफ द वॉर है, बहुत सारा चीज़ और बुक में है, ठीक है? तो हो सकता है तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है मैम या सर वो यहाँ से क्वेश्चंस बुक से सेट कर दे, बट बोर्ड्स में जो सेट होता है वो हमेशा सिलेबस देखकर सेट होता है। तो सिलेबस में क्या है, ये दो चीज़ है, कॉजेज ऑफ द वॉर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर, तो पढ़ेंगे हम लोग तो पूरा ही, बट ये दो चीज़ से क्वेश्चन आएगा, इतना ध्यान में रखना है। तब देखो ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक से सब कोई उठा और बोला कि चलो हम लोग को ब्रिटिश पसंद नहीं है तो ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग वॉर लड़ते हैं और ब्रिटिश को इंडिया से भगा देते हैं, नहीं। बहुत सारा कॉजेस था जिसके वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, वॉर ऑफ 1857 हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। क्या क्या कॉजेज हैं, सब अलग अलग कॉजेज हैं। तो कॉजेस बहुत सारा कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर वन है कॉजेज ऑफ द वॉर, ठीक है? कॉजेज, तो कॉजेज में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज। देखिए कि पॉलिटिकल क्या कॉजेज था जिसके वजह से वॉर ऑफ 1857 हुआ। पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे पहले आता है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियंस। देखो ब्रिटिश तो इंडिया में क्यों आया था, राज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, है ना? वो तो वेलफेयर के लिए नहीं आया था कि हम लोगों का भला करेंगे, लोगों का डेवलपमेंट करेंगे, नहीं, ये सब के लिए नहीं आया था। वो अपना अपने फायदे के लिए आया था, अपने रीजंस के वजह से आया था। तो ब्रिटिश जो था वो क्या कर रहा था ना, इंडियन डोमिनेंस में अपना कब्जा जमाए जा रहा था, अपना एम्पायर को बड़ा करते रह रहा था, अपना बाउंड्री को बड़ा करते रह रहा था।
अब यही बड़ा करने के चक्कर में वो बहुत सारा ना रूल्स रेगुलेशन लॉज लेके आए, जिसमें से एक था सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था? सब्सिडरी अलायंस में बोला गया कि आप जो इंडियन राजा लोग है, प्रिंसेस है, आप लोग ब्रिटिश का सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या मतलब है? मतलब हमको अपना माँ बाप मान लीजिए और हम लोग के अंडर पे प्रोटेक्शन में रहिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ये क्या था? एक तरीका इसके अपना डोमिनियन फैलाना था, है ना, कि तुम्हारा जो राज्य है वो तो इंडिपेंडेंट है, हम क्यों ब्रिटिश का सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें। और जो नहीं करता था उसके साथ वॉर करके वो लोग कब्जा कर लेता था। अब सब्सिडरी अलायंस में बोला गया कि आपको सब्सिडरी अलायंस में एंटर करने के लिए कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? सब्सिडरी अलायंस का कुछ कंडीशंस था, ध्यान से सुनना है। क्या कंडीशंस था सब्सिडरी अलायंस का? पहले बोला गया कि आप अपना कैपिटल में ब्रिटिश आर्मी को रखिएगा। आपका जो राज्य का राजधानी है, किंगडम का जो राजधानी है, कैपिटल है, उसमें ब्रिटिश आर्मी रहेगा। दूसरा बोला गया कि आपको या तो पैसा देना पड़ेगा या तो जागीर देना पड़ेगा, जिसके खर्चे पे ब्रिटिश आर्मी रहेगा यहाँ। मतलब एक तो आर्मी भी रखो और पर से उसका खर्चा भी तुम लोग उठाओ, हम लोग नहीं देंगे। तीसरा क्या पॉइंट था? बोला गया इंग्लिश को छोड़कर जितने भी नॉन यूरोपियंस हैं उन लोगों को स्टेट से निकाल देना है। मतलब ब्रिटिशर्स को छोड़कर अगर पोर्चुगीज है, डच है, फ्रेंच है, तो आप ये लोग के साथ रिलेशन नहीं रख सकते, इन लोगों को अपने किंगडम से हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक तरीका से और आपका रिलेशन दूसरे राज्य से कैसा रहेगा, एक्सटर्नल रिलेशंस, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। ये चार पॉइंट था सब्सिडरी अलायंस में। मतलब इन शॉर्ट पूरा का पूरा कंट्रोल क्या कर रहा है? ब्रिटिश अपना जमा ले रहे हैं, है ना। मतलब नाम को तुम राजा रहोगे, बाकी जो करेंगे हम करेंगे। लगान मूवी देखी हो ना? लगान मूवी देखी हो आमिर खान का? उसमें देखते हो वो लोग जो गलती से आमिर खान बोल देता है हाँ हम लोग लड़ेंगे क्रिकेट खेल के, ये करेंगे, तो उसमें क्या होता है, वो लोग सब जाता है राजा के सामने, झुक जाता है राजा, कुछ करिए, गलती से बोलते हैं। राजा क्या बोलता है? मेरा हाथ में कुछ नहीं है, वो जो बोल दिया वही होगा, है ना। मतलब एक तरीके से क्या, वो नाम का राजा है, रूल तो ब्रिटिशर्स कर रहा है, समझ में आया। ये था सब्सिडरी अलायंस का। अच्छा, फिर एक और टेक्निक निकाल दिया इन लोग। अच्छा, बहुत सारे स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। कौन कौन सा स्टेट था उस वक्त का किंगडम था जो सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया? लखनऊ, मैसूर, हैदराबाद, पूना, जो अभी हम लोग पुणे बोलते हैं, ये सब स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। बोल दिया कि ठीक है चलो, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। कौन कौन, नाम बोलो, कौन कौन स्टेट एक्सेप्ट किया सब्सिडरी अलायंस को? हैदराबाद, पुणे, मैसूर, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो एक देखो पॉलिटिकल कॉजेज में पहला रीजन क्या है? एनेक्सेशन, वो लोग अपना किंगडम को बढ़ा रहे थे, किसके थ्रू? पहला हो गया सब्सिडरी अलायंस, दूसरा आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल था इंडिया का ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव का हेड था, वो एक लॉ लेके आ गया, डॉक्ट्रिन लेके आ गया, उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बोला गया था कि अगर कोई राजा महाराजा है और उसका अपना कोई बेटा नहीं है, अपना कोई औलाद नहीं है, तो उसके मरने के बाद उसका जो किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ जाएगा, और अगर उसका कोई अडॉप्टेड सन है तो अडॉप्टेड सन को बेटा नहीं माना जाएगा, उसको किंगडम का राजपाट नहीं दिया जाएगा। इसी को क्या बोला गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में बोलेंगे तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टेट्स दैट व्हेन द रूलर ऑफ अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया डाइज विदाउट अ नेचुरल हेयर हिज किंगडम वुड बी पास ऑन टू द ब्रिटिश एम्पायर, हिज अडॉप्टेड सन वुड नॉट बी रिकग्नाइज एज द किंग। समझ में आया बात मेरा? क्या बोले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? ये चीज था। अब देखो बहुत सारा किंग था जिसका औलाद नहीं था, लेकिन वो लोग का अडॉप्टेड सन तो था,
लेकिन अडॉप्टेड सन को ये लोग बोल रहे हम लोग मानेंगे नहीं है, वो ब्रिटिश के साथ आ जाएगा, ब्रिटिश में किंगडम आ जाएगा, और उसकी जो रानी रहेगी उसको गवर्नमेंट पेंशन देगा, पैसा देगा, लेकिन किंग आप नहीं रहोगे। अब ये लॉ की वजह से बहुत सारा स्टेट जो है ब्रिटिश एम्पायर में फॉल हो जाता है, जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर। झांसी का तो हम लोग सुने ही है फेमस, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो क्या हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड के मरने के बाद उनका जो अडॉप्टेड सन वो था उसको वो लोग किंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एज अ किंग ब्रिटिश, जिस वजह से लड़ाई होता है बैटल ऑफ झांसी। तो समझ में आ गया। उसके बाद आता है एनेक्सेशन ऑफ अवैध। अवैध जो कि एक बहुत ही फेमस और बहुत ही रिच किंगडम था, अब ब्रिटिश को वो किंगडम हथियाना था, ब्रिटिश को कुछ रीज़न नहीं मिल रहा था, तो ब्रिटिश क्या बोला कि तुम लोग देखभाल सही से नहीं कर रहे हो ये किंगडम का, तुम लोगों को हक नहीं है ये किंगडम चलाने का। वहाँ को जो नवाब था, नवाब वाजिद अली, उसको हटा दिया और किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये सब तरीक़े से ब्रिटिश क्या कर रहा था, पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम इंडियन किंग्स का स्टेट्स हथिया रहा था। लोग गुस्सा होने लगा, जाहिर सा बात है ना। नेक्स्ट तो पहला हो गया एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियन, हर रीज़न से वो लोग अपने एक्सपेंड करने जा रहा था टेरिटरी। दूसरा पॉलिटिकल रीज़न क्या है, डिसकर्टिसी टू द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर जो उस वक्त बहुत, मुगल एम्पायर बस नाम का ही मुगल था, मतलब उन लोग का पूरा पावर ख़त्म हो चुका था, वो लोग ब्रिटिश एम्पायर से लड़ नहीं सक रहा था। लॉर्ड डलहौजी बोलता है कि जब लाल बहादुर, सॉरी बहादुर शाह जफर ये मर जाएंगे, इनका डेथ हो जाएगा, तो इनके बाद इनका जो भी बेटा या पोता जो घराना है ये लोग को रेड फोर्ट छोड़कर जाना होगा, आप लोग रेड फोर्ट में रह नहीं सकते। और तो एक तरह का इंसल्ट था। और इस जख्म में मिर्च और लगा दिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या बोलने लगा, बोलने लगा कि बहादुर शाह के बाद मरने के बाद उसका जो सक्सेसर रहेगा, उसका जो बेटा लोग रहेगा, वो लोग किंग का टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, किंगडम ख़त्म, अब किंगशिप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये हर्ट हुआ लोगों को कि मुगल एम्पायर, मुगल जो था वो तो सिर्फ एक किंग, एक किंगडम का किंग नहीं था ना, पूरा हिंदुस्तान का किंग था। तो इंडियंस को बहुत ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि हम लोग के किंग्स के साथ ऐसा हो रहा है। तीसरा क्या था, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहेब। नाना साहेब जो थे ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के। गवर्नमेंट इसको, इनको पेंशन देने से मना कर देता है, क्यों, क्योंकि तुम नेचुरल सन नहीं हो, मतलब अपना सन नहीं हो। इस वजह से हिंदूज लोग का फीलिंग्स को ठेस पहुंचा कि नाना साहेब जो कि बहुत ही पॉपुलर मराठा लेजेंड थे, मराठा लीडर थे, तो लोगों को हर्ट हुआ, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगा मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिकल कॉजेस था जिसके वजह से रिवॉल्ट हुआ। क्या क्या था, पहला एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, ब्रिटिश अपना किंगडम को फैला नहीं मांग रहा था, जितना हो रहा फैला रहा था। दूसरा डिसकर्टिसी शोन टू द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर को डिसरिस्पेक्ट शो करना। और थर्ड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहेब, नाना साहेब को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया तीनों। तो नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस। अब रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस क्या था वॉर का, पहला फियर्स रिगार्डिंग मास कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिशर्स लोग तो क्रिश्चियन था, है ना, तो उस वक्त इंडिया में पॉपुलेशन किसका था, हिंदूज मुस्लिम्स का, है ना, क्रिश्चियंस का तो उतना पॉपुलेशन नहीं था। अब जब ब्रिटिशर्स लोग आए ना तो लोग डरने लगे कि जा बाबा ये हम लोग सबको क्रिश्चियन बना देगा। हिंदू और मुस्लिम दोनों घबरा गया कि जा हम लोग का धर्म खतरा में है। और इंडियंस बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स था अपना रिलीजन को लेके, आज भी है ना, रिलीजन को लेके बहुत हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मतलब इंडियंस जो है दे आर वेरी वेरी मच, एक तरह का लोग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने रिलीजन को। बाइबल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में, जेल्स में, तो लोगों को डर लगने लगा कि हम लोग सबको ज़ोर ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये पहला रिलीजियस कॉज था। क्रिश्चियन को ओपनली प्रीच करने लगा मुस्लिम्स और हिंदूज में,
मस्जिद में, टेम्पल में, सब जगह क्रिश्चियनिटी प्रीच होने लगा। मिशनरी अपना काम चालू कर दिया यहाँ पे। दूसरा, द लॉज दैट इंटरफियर्ड विद रिलीजन कस्टम, रिलीजियस एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। कुछ ऐसा रूल्स ब्रिटिशर्स बनाया जिससे लोगों का रिलीजियस और कस्टम्स कल्चर में दखल अंदाजी होने लगा। देखो रूल वो अच्छा था, आज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे तो रूल सही था, लेकिन उस वक्त का लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदुइज्म में पहले क्या था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकते, तो ब्रिटिशर्स लोग रीमैरिज एक्ट लाए कि नहीं दोबारा वो शादी कर सकता है, जो कि एक अच्छा कदम था, लेकिन उस वक्त ये सोसाइटी के खिलाफ था, लोग भड़क गए। उसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ सती, सती का मतलब पता है ना, सती का मतलब था पहले ज़माने में क्या होता ना, कोई अगर हिंदू मेल मर जाता था, डेथ हो जाता था, तो उसकी वाइफ को भी उसी चिता में जिंदा जला दिया जाता था, ये प्रथा था। तो इसके अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ बनाया जो कि गुड था, अच्छा था, आज बैंड हम लोग के, लेकिन उस वक्त लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये सब रूल्स जो था ना, लोगों के रिलीजन के साथ इंटरफियर कर रहा था, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने लगे। तीसरा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स। देखो रेलवेज इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जो कि एक अच्छा चीज़ था, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, लेकिन लोगों को उस वक्त इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था, तुम छोटा जात के हो, हम बड़ा जात के हैं, हम तुम्हारा, तुमको छुएंगे नहीं, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे बगल में बैठेंगे नहीं, ऐसा था। और रेलवेज में क्या था, सबको एक साथ ट्रैवल करना था, तो लोगों को लग रहा था कि देखो ये ब्रिटिशर्स जानबूझ के रेलवे को इंट्रोड्यूस किया ताकि ऊंचा जात और नीचा जात को साथ में रखना पड़े, गलत है ये सब। तो ये सबसे लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा। टेलीग्राम का खंभा जगह जगह में लगने लगा। अब लोग उस वक्त उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लोगों को लगा ये खंभा क्यों लग रहा है। तो एक क्या हुआ ना, लोगों में अफवाह फैल गया कि जो जो ब्रिटिशर्स का बात नहीं सुनेगा उन लोगों को ये खंभा में लटका के मार दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, ये सब हुआ था। ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो सोशली ना बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स लोग रेशियली बहुत ज़्यादा रेशियल था कि हम लोग तो गोरा है, वो लोग काला है, वी आर यूरोपियंस, दे आर इंडियंस, लोगों को बेइज्जत करना, हमेशा बेइज्जत करने लगता था। मतलब ऐसा हो गया था कि अगर कोई ब्रिटिशर्स पैदल चल रहा है और कोई इंडियन घोड़ा में चल रहा है तो इंडियंस को घोड़ा से नीचे उतरना पड़ता था जब तक वो ब्रिटिशर्स पास ना कर जाए। कोई ब्रिटिशर्स अगर जा रहा है तो इंडियंस को छुप के सलाम करना पड़ता था, ऐसा इल ट्रीटमेंट करता था। तो सोशली ये जाहिर सी बात है, अगर हम तुमको जबरदस्त, एक होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम साहब, वो आए, अब क्या लोग उनके सामने झुकेगा, है ना, सलाम करेगा आउट ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम ज़ोर ज़बरदस्ती तुमको बोले हम जब भी जाएंगे तुम हमको देख के सलाम करोगे, मेरे सामने झुकोगे, तो तुम्हारे अंदर मेरे लिए इज्जत बढ़ेगा या नफरत बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगा या ना गुस्सा बढ़ेगा, अरे यार ऐसा कर रहे हैं। तो यही हुआ ब्रिटिशर्स लोग के साथ, लोगों के अंदर नफरत और गुस्सा बढ़ने लगा कि हम लोग को इन्फीरियर समझते हैं, हम लोग को छोटा समझते हैं ये लोग। देख फियर्स रिगार्डिंग इंग्लिश एडुकेशन। अब देखो लोगों के दिल में ना डर जागने लगा इंग्लिश एडुकेशन को लेकर कि हम लोग को ज़ोर ज़बरदस्ती इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब था सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। अब इकोनॉमिक कॉजेज क्या किया था, ब्रिटिशर्स मेन मकसद से क्यों आए थे इंडिया, पैसा कमाने, है ना, वेल्थ को लूटने। इंडिया उस वक्त तो बहुत अमीर कंट्री था, लूट के ले जाना है। तो उन लोग का हर पॉलिसी ना इकोनॉमिक से रिलेटेड रहता था। यहाँ तक का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी हुआ ना, इसका भी पीछे कहीं ना कहीं पैसा का रोल था, जो हम तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखो ब्रिटिशर्स क्या करता था ना, इंडिया में उस वक्त आर्टिस्ट लोग बहुत था, हैंडीक्राफ्ट ट्रेड होता था, तो इंडिया का सामान का बहुत ज़्यादा, सिल्क हो गया, कपड़ा हो गया, बहुत डिमांड था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स लोग क्या किया, इंडियन गुड्स को ब्रिटिश में बैंड कर दिया, नहीं बिक सकते हैं वहाँ, और अगर बिक भी रहा तो उसके ऊपर 60% 70% 80% टैक्स लगता था। 100 का सामान है तो 80 रुपया टैक्स दो, और जबकि ब्रिटिश से सामान जो इंडिया आता था वो टैक्स फ्री, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है वो लोग पैसा यहाँ से कमा कर लेकर चला जाता था, बट इंडियन सामान वहाँ पर अलाउड नहीं था बिकना,
महंगा कर देता था। इससे क्या हुआ, इंडिया का रोज़गार हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर जो था उन लोगों का रोज़गार जाने लगा, बेरोज़गार हो गया। दूसरा, पॉवर्टी स्ट्रिकन कल्टीवेटर्स, फार्मर्स लोग का कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ब्रिटिशर्स लोग क्या करता था, ज़ोर ज़बरदस्ती अपने हिसाब से टैक्स चार्ज करता था। ठीक है, तुम्हारा फसल उगा नहीं उगा तुमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता था। ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज है। इंडिया रिड्यूस टू अ, थर्ड पॉइंट क्या है, इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। क्या मतलब है इसका, इंडिया को जो है ना ब्रिटिश अपना एक एग्रीकल्चर कॉलोनी बना दिया। देखो 1800 में इंग्लैंड में हम लोग पढ़े ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्लास 9 में पढ़े ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में। अब इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल वो लोग इंडिया से लेकर जाता, सामान बनाता और इंडिया में ही ज़्यादा दाम में बेच देता। समझ में आ रहा है बात, तो इंडिया को अपना एक तरीका का एग्रीकल्चरल कॉलोनी बना लिया और एक तरीका का फिनिश गुड्स का डेस्टिनेशन बना लिया कि रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाओ, सामान बनाओ यहीं ला के बेचो, सस्ता में रॉ मटेरियल लेके जाओ, महंगा में सामान बेचो, ऐसा हालत हो गया था। इन नेक्स्ट पॉइंट है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडिगो कल्टीवेटर्स। देखो इंडिगो एक तरह का प्लांट है, नील होता है ना, नील, उजाला देखे हो ना, उजाला किससे बनता है, नील से, इंडिगो से। तो इंडिगो एक तरह का प्लांट है जो ग्रो होता है। अब उसका डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप में, यूरोपियन ब्रिटिशर्स लोग जानबूझकर इंडियन फार्मर्स को बोलता था तुमको उगाना पड़ेगा, इंडिगो ही तुमको उगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती। और जो नहीं उगाता था उसको मारता पीटता था, उसका क्रॉप्स में आग लगा देता था। तो इससे क्या हुआ, इंडिगो ये लोग तो लेकर जा रहे अपना भारी मुनाफा कर रहा है जबकि इंडियंस लोग उतना फ़ायदा नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा बात मेरा। अब ये तो हुआ है, साथ में क्या हुआ, एक इंडिगो प्लांटर्स लोग इंडिगो उगाने लगा ज़्यादा, तो अनाज कम उगाने लगा, तो इंडिया में क्या होना, खाना का शॉर्टेज होने लगा, फूड क्रॉप्स का शॉर्टेज होने लगा, महंगाई बढ़ने लगा। और तो ये सब हम लोगों का इकोनॉमिक प्रोसेस था। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स एंड स्टेट्स। अब देखो ये लोग को ज़मीन हथियाना था लोगों से, अब कैसे करके हथियाएगा, गवर्नमेंट क्या बोला, हम लोग एक कमीशन बैठा रहे, मतलब जिसका जिसका ज़मीन है वो अपना पेपर दिखाओ, जिसके पास पेपर नहीं रहेगा उसका प्रॉपर्टी हम लोग छीन लेंगे। अब आज से 1857, मतलब समझ लो लगभग 200 साल पहले, 150 साल पहले, कितने लोगों के पास पेपर होगा, उस वक्त तो पेपर को उतना इम्पोर्टेंस था नहीं। 20,000 ज़मीन गवर्नमेंट कब्ज़ा कर लेता, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पेपर नहीं था और उन लोगों का रोज़ी रोटी ख़त्म, क्योंकि ज़मींदार लोग तो या फार्मर लोग तो ज़मीन से ही कमा रहा था। अब मेरा जब ज़मीन ही चला गया तो हम बेरोज़गार हो गए। समझ में आया बात मेरा, ये सब क्या था, इकोनॉमिक कॉजेज था, कैसे करके ब्रिटिशर्स लोग ये किया। नेक्स्ट आता है लास्ट जो कॉजेज है, मिलिट्री कॉजेज। और क्या है, मिलिट्री कॉजेज। अब देखो मिलिट्री कॉजेज में क्या क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट, रिजेंटमेंट ऑफ द सीपॉयज और द इंडियन सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर लोग जो था ना ब्रिटिशर्स से नाराज था, नाखुश था, क्यों, उसका बहुत सारा रीज़न था। पहला था पुअर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, इंडियंस का प्रमोशन होने का चांसेस ना के बराबर था। एक इंडियन हाईएस्ट रैंक में जा सकता है वो था सिपाही, सिपाही का सिपाही हाईएस्ट रैंक था, जबकि एक ब्रिटिश सोल्जर, सॉरी सिपाही या क्या बोलते हैं उसको, सूबेदार रैंक में जा सकता था हाईएस्ट, जबकि एक ब्रिटिश सोल्जर वो बहुत ही हाई रैंक तक जा सकता था, तो प्रमोशन का चांसेस कम। लो सैलरी, एक सूबेदार जो कि हाईएस्ट पोस्ट है इंडियन का, उसका सैलरी एक न्यू सोल्जर जो कि ब्रिटिश नया ज्वाइंट किया है उससे कम रहता था।
सैलरी में इतना डिफरेंस रहता था। इल ट्रीटमेंट टू इंडियन सोल्जर्स, अब ब्रिटिश सोल्जर्स लोग ना इंडियन सोल्जर्स लोग को एकदम नीचा जात समझता था, एकदम इल ट्रीट करता था, जाओ जाओ दूर रहो दूर रहो, ऐसे छोटा मोटा काम में रखता था, ठीक है। तो ये सब रीज़न था क्यों इंडियन सोल्जर्स लोग, इंडियन मिलिट्री ब्रिटिशर्स से खफा था। नेक्स्ट आता है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। देखो जो जो मेन जगह है ना वहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा नहीं है, इंडियन सोल्जर्स को ज़्यादा रखा है और ब्रिटिश सोल्जर्स कम था। तो जब रिवॉल्ट हुआ तो इंडियन सोल्जर्स लोग तो भाई इंडियन है, उन लोग मेन मेन जगह में था, उन लोग इसका फ़ायदा उठा लिया। थर्ड आता है डिसप्रोपोर्शनेट बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रूप्स। ब्रिटिश आर्मी में लगभग 230,000 इंडियन सोल्जर्स था और ब्रिटिश सोल्जर्स सिर्फ 45,000 था, 5 गुना ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स, अपर हैंड था, है ना, डिसप्रोपोर्शनेट। जब रिवॉल्ट हुआ तो ऐसा सब आता, ये लोग भारी पड़े गई। नेक्स्ट पॉइंट है डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन इन द बंगाल आर्मी। देखो बंगाल आर्मी में ना जनरली ब्राह्मण लोग, ऊंचा जात का सोल्जर्स लोग था। अब ये लोग जो था ना डिससेटिस्फाइड था ब्रिटिश से, क्यों, रीज़न क्या था, रीज़न ये था ये लोग इंडियन सोल्जर्स को बोल रहा था कि आपको इंडस रिवर क्रॉस करके वॉर लड़ने जाना है अफगान में। अब बंगाल आर्मी का लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग का रिलीजन में ये था कि हम लोग अगर सिंधु रिवर इंडस रिवर को क्रॉस कर दिए तो हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस वजह से वो लोग जाने नहीं मांग रहा था। और अगर कोई जाने के लिए रेडी भी हो रहा तो वो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा था। तो इससे क्या हुआ, बंगाल आर्मी का लोग आर्मी का सोल्जर्स का ब्रिटिशर्स के साथ अनबन होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉस ऑफ प्रेस्टीज इन अफगान वॉर। अफगानिस्तान क्या करते हैं ना, ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं वॉर में, इंडियन लोग को कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब भाई अफगान हरा सकता है तो हम लोग भी हरा सकते हैं। ब्रिटिशर्स लोग का प्रेस्टीज में थोड़ा लग जाता है ये चीज़, है ना, एक्सपोज हो जाता है कि इतना बड़ा वर्ल्ड एम्पायर और हार गया, समझ में आए बात। नेक्स्ट आता है जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। एक एक्ट पास हुआ जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट में बोला गया कि जो भी सोल्जर रिक्रूट हो रहा है, रिक्रूटमेंट के वक्त तुम लोग को ये मानना पड़ेगा कि ड्यूरिंग दिस सर्विस तुम हम लोग जहाँ चाहे तुम लोगों को भेज सकते हैं, तुम लोग जाने से मना नहीं कर सकते हो इंडिया में या इंडिया के बाहर। अब इससे बंगाल आर्मी का वापस से प्रॉब्लम ये हो गया कि मतलब तुम लोग बाद में हम लोग को भेजा सकते हो इंडस रिवर क्रॉस करके, रिजेंटमेंट होने लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट या लास्ट जो इमीडिएट कॉज, ये भी मिलिट्री कॉज के अंदर ही में आता है लेकिन हम इसको अलग से रख देते हैं। अब देखो बोला जाता है इसको इमीडिएट कॉजेज, लेकिन ऐसे नहीं कि इसी के वजह से सिर्फ लड़ाई हुआ, लड़ाई जो हुआ इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न था, बहुत सारा रीज़न था, लेकिन होता है ना रीज़न बहुत सा, चिंगारी ये चीज़ दिया। ये क्या दिया, आग पूरा कलेक्ट किया हुआ था, बारूद पूरा भरा हुआ था, बस चिंगारी का काम कर दिया ये इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में क्या होता है ना, एक नया टाइप का राइफल निकाला जाता है ब्रिटिश के तरफ से। मंगल पांडे मूवी देखे हो, आमिर खान का, नहीं देखे, उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन किया, वॉर ऑफ 1857 के बारे में ही है, मंगल पांडे आमिर खान का। एक नया टाइप का राइफल आया, अब वो राइफल में जो कार्ट्रिज डाला जाएगा ना उसको चबा कर डाला जाएगा, और वो कार्ट्रिज को ग्रीस किया गया है ऑयल से। और माना बोला जा रहा था, सच था या अफवाह था ये बोला जा रहा था, कि वो फैट जो यूज़ किया गया ना कार्ट्रिज को, कार्ट्रिज में वो फैट काऊ का और पिक का फैट से, चमड़ा से बना हुआ है, मतलब चर्बी से बना हुआ है। अब हिंदूज के लिए काऊ सैक्रेड है और मुस्लिम्स के लिए पिक्स हराम है, है ना, दोनों ही क्या हुआ, भड़क गया कि नहीं ये चीज़ तो नहीं होगा, वो लोग रिफ्यूज़ कर दिया, हम लोग ये न्यू कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे मूवी में बहुत अच्छे से दिखाए हैं, उसने बोला वो लोग ब्रिटिश सोल्जर्स की, देखिए मामला गर्म हो रहा है आप चेंज कर दीजिए, लेकिन हम क्या बोले, ब्रिटिश इंडिया में क्यों आया था, इकोनॉमिक पैसा कमाने, बोला कि भाई अगर हम लोग इतना सारा गोली ऑलरेडी बन गया है उसको चेंज करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, रुपया बहुत चले जाएगा, छोड़ो वो सब चेंज मत करो, जो है चलाओ। अगर चेंज कर देता तो हो सकता है नहीं होता रिवोल्ट, चेंज नहीं किया, चेंज नहीं किया तो यहीं से क्या होता है, धमाका स्टार्ट। अब देखो अब जो यहाँ से हम बताएंगे इवेंट्स ऑफ दी वॉर, इसको याद रखना है, बट इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्वेश्चंस इतना तक आएगा। अब देखो इवेंट्स ऑफ दी वॉर क्या होता है, मंगल पांडे नाम तो सुनिए, है ना,
जो कि एक ब्राह्मण रहता है हम लोग का बैरकपुर में ही, ये रिफ्यूज कर देता है कार्ट्रिज को च्यू करने से और रिवॉल्ट करता है। जब इसको पकड़ने का कोशिश करता है तो ये उल्टा फायर कर देता है ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर और दो ब्रिटिश सोल्जर्स को जान से मार देता है। वहीं से रिवॉल्ट हो जाता है स्टार्ट, सब लोग मिलता है। यहाँ से ये लोग वॉक करके जाता है मेरठ, ठीक सॉरी दिल्ली की तरफ मार्च करता है। वहीं पे ये जो मंगल पांडे वाला इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था 29 मार्च में। इसके बाद 6 मई में 85 सोल्जर्स और मेरठ में ये लोग भी कार्ट्रिज च्यू करने से मना कर देता है और रिवॉल्ट करता है और जेल में जितना कैदी रहता है सबको छुड़ा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये लोग वॉक करके जाते हैं दिल्ली, दिल्ली का मॉर्निंग 11 मई में ये लोग पहुँचता है और जाकर खड़ा हो जाता है मुगल बादशाह के सामने, रेड फोर्ट के सामने, और बोलता है हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और आप हम लोग का सरप्रस्त बनिए, आप हम लोग का हेड बनिए। अब देखो बहादुर शाह जफर ऑलरेडी बहुत एज हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, ओल्ड हो चुका था, उसका दिल था नहीं बनने का, बट वो देखता है कि लोग जब इकट्ठा हो गए हैं, अब एक सेंट्रलाइज पावर तो चाहिए ना, हिंदूज मुस्लिम सिख्स सब यूनिटी हो के क्या बोला, हम लोग बहादुर शाह जफर को अपना किंग मानने के लिए रेडी है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट बहादुर शाह जफर एज अवर किंग। समझ में आया बात। उसके बाद रिवॉल्ट होता है, 2 महीना तक लगभग वॉर चलता है, बट धीरे धीरे करके क्या होता है, ब्रिटिशर्स वापस से जो भी कब्जा इंडिया लोग किया था, ब्रिटिशर्स अपना एक्स्ट्रा फोर्स बुलाता है और धीरे धीरे करके सब कब्जा वापस, सब जगह वापस कब्जा कर लेता है, ठीक है। वहाँ पे कानपुर में भी वॉर हो रहा था, नाना साहेब वहाँ पे लीड कर रहे थे, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, बट धीरे धीरे करके सबको क्रश कर दिया जाता है एंड वापस से ब्रिटिश अपना दबदबा बना लेते हैं इंडिया में, ठीक है। तो देखो ये वॉर का फेलियर का कॉजेस क्या था, बहुत सारा कॉजेस था जो ये वॉर जीत नहीं पाए हम लोग। क्या कॉज था, पहला था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग लीडर्स, लीडर्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कानपुर में कोई अलग लड़ रहा है, दिल्ली में कोई अलग लड़ रहा है, झांसी में कोई अलग लड़ रहा है, सेंट्रल पार्ट में कोई अलग लड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन, जबकि ब्रिटिश के बीच में कोऑर्डिनेशन था उन लोगों के लीडर्स में। दूसरा लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, बहादुर शाह जफर जैसे हम बताए बहुत एज हो चुका था, उनके पास उतना एफिशिएंसी और बचा नहीं था, जबकि ब्रिटिश लीडर्स लोग एफिशिएंट था। लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट, ये लोग के पास तलवार, वो लोग के पास गन तोप मॉडर्न इक्विपमेंट, जाहिर सा बात है वो लोग अच्छा लड़ेगा। द वॉर मेनी इंडियंस रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, बहुत सारे इंडियंस जैसे कि सिंधियाज, फिर तुम्हारा नवाब हैदराबाद, ये लोग सब क्या था ना, ये लोग सब ब्रिटिश के तरफ लॉयल था, इंडियंस का साथ नहीं दिया। तो जब अपना ही घर का सिक्का खोटा होगा तो फिर कैसी वॉर जीतेगा तुम, ठीक है। तो ये सब था रीज़न क्यों फेल हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, ये वॉर का क्या नतीजा निकला। वॉर का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा, देखो अब तक इंडिया में जो रूल कर रहा था 1857 तक, वो ब्रिटिश एम्पायर डायरेक्ट रूल नहीं कर रहा था, ब्रिटिश का एक कंपनी था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लोग रूल कर रहा था और वो कंपनी का अपना आर्मी था, तो ब्रिटिश डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था, कंपनी रूल कर रहा था। ये वॉर के बाद कंपनी का रूल को हटा दिया जाता है, ब्रिटिश एम्पायर बोलते हैं अब हम लोग डायरेक्टली रूल करेंगे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा। तो पहला क्या कॉन्सिक्वेंस निकला इसका, एंड ऑफ कंपनीज रूल, कंपनी का रूल यहाँ पर ख़त्म हो गया और बहुत सारा चेंजेस लाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया गया, पहला जितना भी कंपनी का पावर था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश क्वीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करवा के। दूसरा
कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये लोग को ख़त्म कर दिया गया। कंपनी अब कोई कुछ नहीं करेगा। क्या बोला गया? बोला गया जितना भी पावर है ये सब कैबिनेट के पास चला जाएगा। कैबिनेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो लोग अपना पावर एक्सरसाइज करेगा। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब वो लोग का कोई पावर नहीं रहा। तीसरा, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा जो कि जिसके साथ 15 मेंबर रहेगा जो कि इंडिया को गवर्न करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक सेक्रेटरी रहेगा, उसके साथ 15 मेंबर्स रहेगा, ये लोग मिलकर इंडिया में रूल करेगा सही से। ठीक है, जितना भी सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट है उसको ओपन कर दिया गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नर जनरल का टाइटल ख़त्म करके इसको रिप्लेस कर दिया गया वाइजरॉय से। क्या टाइटल यूज़ किया गया? वाइजरॉय। वाइजरॉय जो है वो ब्रिटिश किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इंडिया में, और वो हेड रहेगा इंडिया का, वो पूरा रूल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और इंडिया का पहला वाइजरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। समझ में आया? तो पहला क्या था? कंपनी का रूल ख़त्म। दूसरा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाया गया। तीसरा, क्या रिजल्ट हुआ? इंडियन प्रिंसेस और चीफ्स के तरफ नया पॉलिसी। ब्रिटिश क्वीन बोली कि हम लोग आपका किंगडम को हथियाएंगे नहीं। समझ में आया? आपका राइट्स ऑफ अडॉप्शन जो है, अडॉप्ट किया हुआ जो बेटा है वो भी आपका किंग रहेगा, इसमें हम लोग कोई दखलअंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, जितना भी ट्रीटी साइन हो रहा है आप लोग से, हम लोग सबको रिस्पेक्ट करेंगे, वो सब ट्रीटीज़ को हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तोड़ेंगे नहीं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। ये सब बोला गया ब्रिटिश प्रिंसेस को, क्योंकि पता था कि इतना बड़ा कंट्री में रूल करना है तो ये लोग को लेकर ही करना होगा, अकेला नहीं किया जा सकता है। थर्ड क्या था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। आर्मी में बहुत सारा चेंजेस लाया गया। ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर बढ़ाया गया। इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो था उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स लोग को रखा गया। मॉडर्न इक्विपमेंट, बंदूक एंड ऑल जो है ये सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स लोग के हाथ में रहता था, इंडियन सोल्जर्स लोग के हाथ में नहीं रहता था। प्लस इंडियन सोल्जर्स लोग का जो ग्रुप था उन लोग का इस तरह से मिक्सअप किया गया है ना कि उन लोग के बीच में यूनिटी आई नहीं। ब्राह्मीण के साथ लोअर कास्ट को डाल दिया, लोअर के साथ अपर कास्ट को डाल दिया, हिंदू के साथ मुस्लिम को डाल दिया। क्यों? ताकि वो लोग में एक यूनिटी। अब मान लो सब ब्राह्मीण है, सब बंगाली है, सब राजपूत है या सब पंजाबी है, तो ये लोग के बीच में तो यूनिटी रहेगा। अब मान लो एक ब्राह्मीण है, दूसरा जो है कोई शेड्यूल कास्ट का है, तो ये लोग बोलेगा छूत अछूत ये लोग दिल में रहेगा, ये लोग के बीच में यूनिटी नहीं होगा ज़्यादा। तो इस तरह से अरेंज किया गया आर्मी को। ठीक है, और कुछ प्रॉमिसेस की क्वीन टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्या क्या प्रॉमिसेस की? पहला प्रॉमिस की कि आप लोग का रिलीजियस बिलीफ के साथ हम लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉमिस की आप लोग को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जैसे यूरोपियन नागरिक को दिया जाता है, ब्रिटिशर्स लोग को दिया जाता है, आप लोग कम नहीं है उनसे। बोला गया जो भी लोगों को पकड़ा गया है वॉर के दौरान सबको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ वो लोगों को छोड़ के जो लोग ब्रिटिशर्स का मर्डर किया है। ठीक है, थर्ड बोला गया कि हम लोग लोगों का एडवांसमेंट के लिए काम करेंगे, अच्छाई के लिए काम करेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे इंडियंस का। समझ में आया? और फिर ये वॉर के बाद क्या गवर्नमेंट पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल इंट्रोड्यूस कर देता है जो आज तक इंडिया में देखा जाता है। बोला क्या कि ये वॉर हुआ क्यों था? हिंदू मुस्लिम के यूनिटी की वजह से। हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाई करवा के रखो, हमें जो ये लोग आपस में ही लड़ते रहे ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूनाइट ना हो। दूसरा, ये लोग क्या किया? राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई लगवा दिया, प्रिंसेस एंड पीपल, ताकि राजा और प्रजा में लड़ाई रहेगा तो ये लोग हम लोग के अगेंस्ट कभी खड़ा होगा ही नहीं। तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ये लोग लागू कर दिया। ठीक है, तो ये सब कॉजेस था ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अच्छा देखो, अब कोई जो है कोई बोलता है इसको कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कोई बोलता है कि ये सिपॉय म्यूटिनी था, मतलब एक तरह का रिवॉल्ट था, वॉर नहीं था, इंडिपेंडेंस का वॉर नहीं था। ठीक है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं उसका तर्क ये
बोलता है कि पूरा पहला बार हिंदू मुस्लिम पूरा इंडिया एकजुट हुआ। जो बोलता है कि नहीं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, वो ये बोलता है कि सब पार्ट्स में लड़ाई थोड़ी हुआ, साउथ इंडिया में लड़ाई तो नहीं हुआ, हैदराबाद में तो लड़ाई नहीं हुआ, वो लड़ाई तो सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में हुआ, बंगाल दिल्ली झांसी लखनऊ ये सब जगह में, फुल इंडिया में तो नहीं हुआ, तो ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? क्योंकि तो दोनों का ही अपना अपना तर्क है। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है ये चैप्टर से, ये चैप्टर से हम लोगों को कॉजेज अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सिक्वेंसेस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसका नोट्स तुम लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना है, एकदम वेट नहीं करना है एंड तक का। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा वैसे वैसे पढ़ाई भी स्टार्ट कर देना और टेस्ट भी लेंगे इसका। ठीक है, वेडनेसडे को ये वाला चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।